हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव मल्होत्रा। आज इस वीडियो ब्लॉग में मैं एक इम्पॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है, लेकिन एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो एक्चुअली मैंने इसे बनाने का तब सोचा जब मेरे से बहुत लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा। अभी नवरात्रि बहुत पास में आ रही है, सितंबर में ही है और 21 सितंबर से नवरात्रि शुरू है। तो मेरे से बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा कि जब शादी के लिए हम कोई बहुत शुभ मुहूर्त ढूंढते हैं आमतौर पे, तो नवरात्रि तो वैसे ही बहुत एक शुभ टाइम होता है। वो 9 दिन जो होते हैं जिसमें हम दुर्गा की पूजा करते हैं, वो तो वैसे ही बहुत ऑस्पिशियस माने जाते हैं। तो क्या उस टाइम पे हम शादी नहीं कर सकते हैं? क्या शादी के लिए वो अच्छा मुहूर्त नहीं माना जाएगा? तो बस इसी क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो ब्लॉग में छुपा हुआ है। मतलब मैं इसी क्वेश्चन को ही आंसर करने जा रहा हूँ इस वीडियो ब्लॉग के थ्रू। तो अब इसका आंसर ये है कि नवरात्रि जो है वो बहुत ही शुभ टाइम माना जाता है। उस टाइम पे ज़्यादातर ये सजेस्ट किया जाता है कि अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, आप पूजा करिए, आप मंत्र रिसाइटेशन कीजिए, क्योंकि ये टाइम जो है मंत्र सिद्धि वगैरह के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और आपको बहुत ज़्यादा फायदे हो सकते हैं। और इस टाइम पे यूजली लोग काफ़ी प्योर रहते हैं, फिजिकल रिलेशंस वगैरह से भी दूर रहते हैं। इसके अलावा अनियन गार्लिक तक लोग अवॉइड करते हैं इस टाइम पे। तो भोजन की शुद्धि, मन की और तन की शुद्धि पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है इस टाइम पे। तो अगर इस चीज़ को देखते हो, अब हम शादी का पर्सपेक्टिव देखें। शादी में दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं वो सबसे पहले तो अपनी फिजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करने का सोचेंगे शादी के बाद, तो जो कि नवरात्रि के टाइम पे अलाउड नहीं होता। बेसिकली अच्छा नहीं होता, मैं ये नहीं कहूँगा कि अलाउड नहीं होता, लेकिन अच्छा नहीं होता नवरात्रि के टाइम पे, क्योंकि इस टाइम हम मन और तन की शुद्धि पे खास ध्यान देते हैं और फिजिकल रिलेशंस जब बनते हैं तो ऑब्वियसली वो चीज़ फॉलो नहीं हो पाती। तो इस वजह से मेरे ओपिनियन में, इनफैक्ट ये सिर्फ मेरे ओपिनियन में नहीं है, ये हमारे पुराने ग्रंथों में भी और हमारे पुराने शास्त्रों में भी नवरात्रि के टाइम पे शादी अलाउड नहीं मानी गई है। तो शादी करनी ही नहीं चाहिए उस टाइम पे। अपने मन पे, अपनी चीज़ों पे पूरा कंट्रोल करना चाहिए। फिजिकल रिलेशंस वगैरह से भी कम्प्लीटली, जो मैरिड लोग हैं उनको भी कम्प्लीटली दूर रहना चाहिए। अपना पूरा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा माँ भगवती को, माँ दुर्गा को याद करने में और अपना मंत्र रिसाइटेशन में और बाकी चीज़ों में, धार्मिक चीज़ों में अपने मन को लगाना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके इस ऑस्पिशियस, इस शुभ टाइम का। तो बस इस पोस्ट के थ्रू मैं इतना ही एक छोटी सी चीज़ का आंसर करना चाहता था जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस वजह से मैंने इस ब्लॉग पोस्ट को बनाने का सोचा। अब आप चाहें तो इस ब्लॉग पोस्ट को, इस वीडियो ब्लॉग को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और आप मेरे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आपको सारी लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट वगैरह मिलती रहे मेरी। उस पर मैं बहुत फ्रीक्वेंटली अपने और वीडियो ब्लॉग्स वगैरह भी डालता रहूँगा, तो आपको वो बहुत फ्रीक्वेंटली मिलते रहेंगे। इस वजह से आप शेयर करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा और आप आगे भी लोगों को बताइए, ताकि उनको भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। ओके जी, थैंक यू, नमस्कार।